अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेके। ये रेसिपी है पर्दा बिरयानी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखें, एक कुकर लिया है मैंने। कुकर में ऐड करूँगी मैं 2 प्याज, 8 से 10 लहसुन कली, 10 से 15 काली मिर्च और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। और अब इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम मटन। और अब ऐड करूँगी इसमें 1 से 1.5 कप पानी। और अब ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक। और इसको कवर करूँगी, 3 सीटी आने का वेट करूँगी। 3 सीटी आती है तब तक मैं इधर प्याज रेडी कर लेती हूँ। 1 कप ऑयल लिया मैंने, उसमें ऐड की मैंने 3 से 4 बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज को ब्राउन होने के बाद मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखें, प्याज ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, गरम मसाले। ये देखें, गरम मसाले ऐड करके 2 से 3 मिनट इन्हें सोते करूँगी। इन्हें सोते करने के बाद ऐड करूँगी मैं 4 से 5 कप पानी। पानी बॉईल हो चुका है और अब इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 कप के लगभग मैंने राइस लिए थे, उनको अच्छे से वॉश कर लिए थे। और उस पर ऐड किया मैंने प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे। सॉरी, मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने इसमें मटन भी ऐड कर दिया था। और अब इसके ऊपर ऐड किया मैंने ग्रीन फूड कलर, 3 से 4 ड्रॉप। और अब ऐड करूँगी रेड फूड कलर। और अब ऐड करूँगी मैं 1/4 कप दही और अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें, हमें राइस को 80% ही गलाना है। और अब दूसरी साइड में मैंने एक चपाती रेडी की है। नॉर्मल आटे को गूंद के उससे मैंने एक बड़ी सी चपाती बेली। और अब इस चपाती को हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें फैलाएंगे। ये देखें, कढ़ाई में इस तरीके से हमें इसको चपाती को फैलाना है। और ये जो बिरयानी बनाई थी वो इसमें ऐड करूँगी। सॉरी, मेरे कैमरे की बैटरी फिर लो हो गई थी तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। उस बिरयानी को इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर किया और 5 मिनट के लिए इसे कुक किया। और अब ये देखें, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैं इसको कट करूँगी। ये देखें, इस तरीके से कट करने के बाद मैं इसको दिखाऊंगी आपको। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगी थी ये बिरयानी, आप भी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।